संभाल के गरीब लोगों को जो बहुत परेशान है। उनके पति उनको मारते हैं, मेरे पास आती होंगे ऐसी महिलाएं, मेरे पास कम से कम 15-20 महिलाएं आ चुकी हैं और उनसे कुछ नहीं हो पा रहा। अगर मेरे और किस प्रकार आप रोजगार दे रहे हैं महिलाओं को, ये आपकी सोसाइटी किस तरह से काम करेगी इसके बारे में जरा थोड़ा विस्तार से बता दीजिए नाम के साथ। मेरा नाम पवन गुप्ता, मैं सोसाइटी में गरीब महिलाओं को अपने जो प्रोडक्शन निकलेंगे हस्त से, हाथों से जो आइटम निकलेंगे वो मैं उनको मैं रोजगार देने के अवसर देता हूँ। जी किस तरीके से आप रोजगार देंगे, मतलब जैसे क्या व्यवसाय रहेगा? व्यवसाय है वो रहेगा जो हाथ से बने हुए, जैसे पापड़ है, अचार है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, राखी है, रबड़ बैंड है, और भी बहुत से आइटम ऐसे हैं कि इसमें पशुपालन भी लेके आ रहा हूँ मैं, और जो भी इसमें जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे बहुत आइटम है इसमें, तो वो आइटम उनको मैं रोजगार दूंगा। इसमें क्या समूह बना करके देंगे या एकल व्यवसाय है? नहीं, ये सोसाइटी की समूह है, ये सोसाइटी किसी का नहीं है, ये समूह आप लोगों का भी है, सबका है ये। इसमें ये कोई बिजनेस नहीं है, ये ना कोई ये व्यापार है, ये आप लोगों की माध्यम से और जो भी है मेरे पूजनीय ज्योतिराज सिंधिया जी, प्रवीण पाठक जी और लाखन सिंह जी और जो भी हैं VIP, उनको उनके माध्यम से, मंजू जी हैं मेरी और जो भी हैं उनसे माध्यम से मैं इस सोसाइटी को चलाऊँ। जो अभी अपने नाम लिए तो क्या राजनीतिक संगठन कोई है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, उनके माध्यम से, उनके माध्यम, हाँ, जबरदस्ती किसी से नहीं, माध्यम से। क्या नाम रखा है आपने अपनी सोसाइटी? इसका नाम है साईं सगुन प्रोडक्शन कॉरपोरेटिव सोसाइटी। तो इसमें आप महिलाओं को रोजगार देंगे? हम महिलाओं को 1000 महिलाओं को रोजगार दूंगा और 500 नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी रोजगार दूंगा जो बुरी संगत में जा रहे हैं। आपसे संपर्क करने के लिए, वो सोसाइटी से जुड़ने के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं? संपर्क मेले में एक नंबर छतरी पे कर सकते हैं।